नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हाथरस में हुई घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। हाथरस में भोले बाबा के धार्मिक आयोजन में हुई भगदड़ में सैकड़ों बेगुनाह मारे गए और कई लोग घायल हुए। इन मरने वालों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सत्संग सुनने गए लोगों को कहां पता था कि वो जिस धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं वहां से वापस ही नहीं लौटेंगे। लेकिन देखा जाए तो इस भयावह घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये भी है कि एक साधारण से आदमी को लोगों ने भगवान का दर्जा कैसे दे दिया और अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी भीड़ में चले गए। सवाल ये भी है कि आरोपी भोले बाबा उर्फ सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि को ये शक्तियां कहां से मिली। इन्हीं सब सवालों के बीच आरोपी बाबा की बहन ने बड़ा खुलासा किया है। भोले बाबा की बहन सोनकली ने कई राज उगले हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए इस ढोंगी बाबा की काली सच्चाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद मची भगदड़ में अभी तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस हादसे को लेकर मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सूरज पाल अभी कहां है इसका पता नहीं लग पाया है। पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी बीच भोले बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भोले बाबा की बड़ी बहन सोनकली ने अपने भाई का बचाव करते हुए कहा कि हाथरस में लोग अपनी ही गलती से मरे हैं, इसमें मेरे भाई का क्या कसूर है? क्यों लोगों ने भगदड़ मचाई? उन्हें ऐसा करने के लिए मेरे भाई ने तो नहीं कहा था, ये तो खुद उन्हीं की गलती है। इसके बाद सोनकली ने अपने भाई पर लगे ढोंग के आरोप पर भी बयान दिया और कहा कि लोग मेरे भाई को ढोंगी कह रहे हैं, वो सब गलत है। मेरे पिता और दादा के पास भी थी लोगों को ठीक करने की शक्तियां, वहीं से सूरज पाल को ये शक्तियां मिली हैं। वहीं बाबा के आश्रम में काम करने वाले रंजीत सिंह ने बताया कि उनके पापा इनके आश्रम में 15 साल रहे हैं। भोले बाबा का जहां गांव है वो वहीं से है। रंजीत ने बताया कि बाबा ने पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सत्संग का ढोंग रचाकर पहले अपने एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसा दिया। जैसे बाबा बोलते थे उनके एजेंट वैसे ही बोलते थे। एजेंट बाबा के हाथ में चक्र तो कभी त्रिशूल दिखने की बात करके जनता को भ्रमित करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाबा अपने एजेंटों को देश के दूसरे राज्यों में भेजकर वहां अपने सत्संग आयोजित कराने लगा। भोली वाली जनता के सामने ये एजेंट बाबा की महिमा का ऐसा गुणगान करते थे जिससे जनता इन्हें भगवान की तरह देखने लगी। बता दें बाबा की बहन सोनकली खुद एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उन्हें सांस लेने की बीमारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबा जब सभी लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा करता है तो उसने अपनी ही बहन की बीमारी को क्यों नहीं ठीक किया। वहीं भोले बाबा उर्फ सूरज पाल को 23 साल पहले दिसंबर 2000 में मृत लड़की को पुनर्जीवित करने का दावा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसके अनुयायियों ने कथित तौर पर शमशान घाट पर हंगामा किया था। बाद में सबूतों के अभाव में उसे अदालत ने बरी कर दिया था, जिसके बाद दोबारा उसने अपना ये धंधा शुरू कर दिया और आज सैकड़ों लोगों की जान ले ली। देखा जाए तो हाथरस में हुई घटना में कुछ भी नयापन नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं और तय मानिए कि आगे भी होती रहेंगी। दिल्ली से सिर्फ 146 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस से जो तस्वीर आई है वो दिल को झंझोर देने वाली है। 121 लोगों की जान जिस तरह से गई वो हमारे समाज के लिए एक बर्बर तस्वीर उजागर करती है। एक सभ्य समाज में जहां नियम कानून का शासन है, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हो, वहां ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाए और एक डॉक्टर तक की व्यवस्था ना हो। वहां करीब 2 से 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठा होती है और पुलिस और प्रशासन का कोई बड़ा अफसर नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स खुद को भगवान घोषित कर दे और लोग जान पर खेलकर उसके चरणों की धूल लेने का प्रयास करें? आखिर इस शर्मनाक घटना का गुनहगार कौन है? हाथरस की घटना सैकड़ों सवालों से भरी भी है। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बद इंतजामी है और अपनों को खोने का अफसोस है। अगर इस भयावह घटना से भी लोग नहीं चेते तो ये चिंता का विषय है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।